राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोधियों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आज दोपहर 2 बजे पटना में सिविल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होऊंगा। मेरे खिलाफ आरएसएस, भाजपा, मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसमें मुझे डराने के लिए पटना में एक और मामला दायर किया गया है। सत्यमेव जयते। राहुल गांधी की पेशी को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पटना कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था। सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी दस्ते ने ले ली थी। शनिवार की सुबह कोर्ट परिसर में जजों, अधिवक्ताओं और कर्मियों के वाहन के अलावा अन्य किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। यहां तक कि जिस अदालत में राहुल गांधी की पेशी होनी है उसके दोनों बरामदे पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए थे। सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में परिवाद संख्या 1551C/2019 में करीब 2 बजे राहुल गांधी की पेशी हुई। करीब 1:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सीधे कोर्ट के लिए रवाना हो गए। कोर्ट में पेशी के बाद करीब 4 बजे राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी के बिहार आने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत की पूरी तैयारी की है। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष एचके वर्मा ने बताया कि दोपहर में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जातिगत टिप्पणी किए जाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इस मामले की सुनवाई आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी, जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होना है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल को कर्नाटक के बेलूर क्षेत्र के ककोर में हुई एक चुनावी जनसभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने मंच से पूछा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। राहुल के इस टिप्पणी के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके खिलाफ पटना के कोर्ट में केस दर्ज करवाया था।